आज मसाला किचन में बना रही हूँ प्रीमिक्स से क्रीमी आइसक्रीम बिना क्रीम डाले, है ना बड़ी मजेदार सी बात। आपने मार्केट में बहुत सारे प्रीमिक्स देखे होंगे, जैसे कि आइसक्रीम के प्रीमिक्स। आज मैं ये प्रीमिक्स बना के दिखा रही हूँ। अभी तो मैंने सिर्फ 3 फ्लेवर में बनाए, आप इसे कई टाइप के फ्लेवर से बना सकते। आप सबको आसान खाना सिखाना मेरा मिशन है। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वो भी फ्री में। तो इस प्रीमिक्स को बनाने के लिए मैं 3 बैच में बना रही हूँ। एक बैच जो होगा वो करीब करीब आधा लीटर दूध में बन जाएगा। तो जिस तरीके से हम मार्केट से लाते हैं ना आइसक्रीम के कई फ्लेवर लाते हैं और घर में आके बनाते हैं, तो बस वही चीज़ मैं आपको घर में बना के दिखा रही हूँ। नॉर्मल सी चीनी चाहिए, चीनी हमें आधा कप चाहिए। अगर आप थोड़ा सा मीठा कम पसंद करते हैं तो आप इसकी चीनी को कम कर सकते हैं। यहाँ मैंने 3 टेबल स्पून भर के लिया है मिल्क पाउडर, अगर आप कप में देखेंगे तो 1/4 कप। मैंने ग्राम्स वगैरह इसलिए नहीं बताए क्योंकि हर घर में वेइंग मशीन तो होती नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, कोई कटोरी सेट करनी होगी, बस उसी से ही आप ये सारी चीज़ें बना सकते हैं। और 1/4 कटोरी से भी कम, 2 टेबल स्पून के आसपास आप लोगे कॉर्नफ्लोर, कॉर्न स्टार्च, जो कि आपको आरारोट के नाम से भी मिलता है। पैकेट में मिलता है तो कॉर्न स्टार्च लिखते हैं और खुला हुआ मिलता है तो आरारोट होता है। यहाँ एक ज़रूरी सी आपको बात बताती हूँ, वैसे मिक्सी में हम कई बार सारे काम करते हैं, मिक्सी को बिल्कुल सूखा रखिए, पर फिर भी आप रिस्क मत लीजिए। मिक्सी में जब आप चीनी और ये सारी चीज़ें डाल रहे हो ना, इसे मिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कॉर्न स्टार्च होता है ना, वो आपकी किसी भी चीज़ को सीलने नहीं देता है। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो सील सकता है हमारा ये प्रीमिक्स। अब इसमें हमें जो कलर देना है, मान के चलिए मुझे पिंक कलर चाहिए, तो मैंने स्ट्रॉबेरी का इमल्शन ले लिया, 1 टीस्पून हमें लेना है। कलर प्लस एसेंस, अगर आपके पास कलर प्लस एसेंस नहीं है तो रेड कलर डाल दीजिए, स्ट्रॉबेरी का एसेंस अलग से आता है। तो कुछ बूंदें आपको स्ट्रॉबेरी के एसेंस डालनी है, जैसे 1/4 टीस्पून, और 1/2 टीस्पून के आसपास आपको कलर डालना है। अगर इमल्शन हो तो टोटल आपको 1 टीस्पून डालना है। यहाँ एक चीज़ आपने नोटिस की, मैंने लिक्विड कलर डाला फिर भी वो ड्राई पाउडर बना। ये चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि कॉर्नफ्लोर जो है हमें मिक्स करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये देखिए, बढ़िया सा पिंक कलर का प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गया बिना किसी मेहनत के। अब ये जो बैच है हमारा बन गया है, इसे आप काफ़ी दिन तक स्टोर करके रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 1 से 2 महीना आप बाहर भी रख सकते हो किसी टाइट जार में, एयर टाइट जार में, और ज़्यादा लंबा रखना है तो फ्रिज में रख दीजिए। इसी तरीके से मैंने फिर से वही दूसरा बैच बना रही हूँ, जिसमें मैंने आधा कटोरी चीनी ली है, 1/4 कटोरी मिल्क पाउडर, मिल्क पाउडर किसी भी कंपनी का आपको मिल जाए वो ले सकते हैं, 2 टेबल स्पून लेना है हमें कॉर्न स्टार्च। बस इन तीनों चीज़ों को फिर से एक मिक्सी के जार में डाल दीजिए। इसमें मैं अभी थोड़ा मिक्स कर रही हूँ, उसके बाद जो कलर डालूंगी वो आप कौन सा डालेंगे वो देख लीजिए। ये सारी बातें मैं इसलिए समझा रही हूँ कि आपकी तरफ क्या मिलता है उस हिसाब से आप लीजिए। और ये सारी चीज़ें किसी भी कन्फेक्शनरी शॉप पर, किसी भी बेकरी शॉप पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। मैंने डाला है ग्रीन पिस्ता इमल्शन, खस इमल्शन भी आता है, पिस्ता इमल्शन भी आता है, जो आपको टेस्ट में हो वो आप डाल सकते हैं। आप जो मार्केट में मिलता है वहाँ कोई पिस्ता वगैरह नहीं डाला जाता है, वो इस तरीके से डालिए। जब आप आइसक्रीम बनाएंगे ना तब आप थोड़ी पिस्ते की कतरन डाल सकते हो। इसी तरीके से आपका केसर पिस्ता बन सकता है, इसी तरीके से आपका ब्लूबेरी बन सकता है, वो भी इमल्शन आता है, जो आप बनाना चाहें। अगर आपको कोको पाउडर का बनाना है तब आपको क्या करना होगा, जो हमने कॉर्नफ्लोर लिया है उसके बदले आपको कोको पाउडर लेना होगा, आपका चॉकलेट प्रीमिक्स बन जाएगा। चॉकलेट प्रीमिक्स का इसलिए मैंने अभी नहीं बनाया क्योंकि अभी अभी मैंने आपको चॉकलेट की आइसक्रीम कैसे बनाई जाती है उसकी रेसिपी दी है, तो मैंने अभी उसका प्रीमिक्स नहीं बनाया। अभी ये मैंने पाइनएप्पल का इमल्शन डाल दिया है। ये तीसरा जो बैच बन रहा है वो भी बहुत ही प्यारा कलर आएगा, बिल्कुल परफेक्ट। अब आपको जब आइसक्रीम बनानी है ना कोई टेंशन ही नहीं है, कैसे बनानी है, कितना सब कुछ डालना है वो भी दिखा देती हूँ। तीनों प्रीमिक्स बनके तैयार हो गए हैं, अब चलते हैं हम आइसक्रीम के लिए।
इस प्रीमिक्स में आपको खास ध्यान रखना होगा, अपना इंडियन टेस्ट जो होता है ना, थोड़ा सा मीठा प्रीमिक्स चाहिए होता है। इसके लिए मैंने चीनी बराबर डाली है, इसमें मिल्क पाउडर जरूर डालिए। उसकी वजह क्या होती है, अगर आपने टोन मिल्क भी यूज़ किया ना, तब भी ये बढ़िया बन जाएगी आइसक्रीम। एक और बात, क्रीम वगैरह नहीं डाल रहे हैं तब भी ये परफेक्ट बनेगी। और इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे ना, जिसकी वजह से ये सीलेगा नहीं, काफ़ी दिन तक अगर आपने बना के रख लिया बैचेस में तो ये ख़राब भी नहीं होगा। तो सारी चीज़ें, इससे गाढ़ा भी होगा, टेस्टी भी बनेगा और मीठा भी परफेक्ट बनेगा। अब रही फ्लेवर की बात, जो डालना चाहें डालिए। अब यहाँ पर मुझे लेना है कच्चा दूध या फिर जो पहले से उबला हुआ है वो ठंडा दूध, टोन मिल्क है या फुल क्रीम मिल्क, ये आपकी चॉइस है जो आपके घर में आता है। उसे रख दीजिए गैस पर, स्लो गैस पर। और ये जो प्रीमिक्स मैंने वन बैच बनाया है 500 ml दूध में मैं डालती हूँ। धीरे धीरे डालते जाना है, एक हाथ से हमें चलाते जाना है, एक हाथ से इस प्रीमिक्स को मिक्स करते जाना है। ऐसा इसलिए करना है क्योंकि ये प्रीमिक्स नीचे जल ना जाए, नीचे लग ना जाए, क्योंकि इसमें कॉर्नफ्लोर और मिल्क पाउडर लगा हुआ है। लगेगा तो आपकी सारी मेहनत बिगड़ सकती है। अब यहाँ पर मैंने सारी चीज़ों को धीरे धीरे मिक्स कर दिया है दूध के अंदर। अब इसे तब तक चलाते हुए पकाना है जब तक कि एक बॉयल ना आ जाए, बहुत ज़्यादा नहीं उबालना है, बहुत ही फटाफट ये आइसक्रीम बन जाएगी। बस एक उबाला आ जाए, गैस बंद कर दीजिए। अब आप क्या करेंगे, इसे ठंडा करने के लिए रख दीजिए जब तक कि ये रूम टेम्परेचर पर ना आ जाए। जब ये रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तब इसे उठाकर रख दीजिए फ्रीजर में, 2 से 3 घंटे इसे फ्रीजर में रख दीजिए। इसे हमें थोड़ा जमाना होगा, बहुत ज़्यादा चिल्ड हो जाएगा या थोड़ा जमने लग जाएगा तो 3 घंटे बाद मैं आपसे मिलूँगी। ये देखिए, ये आइसक्रीम जो हमने रखी थी काफ़ी अच्छी ठंडी भी हो गई है। अब इसे हम निकाल लेते हैं। इसे मैं मिक्सी के जार में डालकर इसे चलाऊंगी। ऐसा करने से इस आइसक्रीम में हमने कुछ भी नहीं डाला है, तभी भी इसमें क्रीमी सा टेक्सचर आ जाएगा। अब यहाँ पर मैं डाल रही हूँ घर की सॉफ्ट वाली जो दूध से उतरी हुई मलाई होती है, 2 टेबल स्पून। आपके पास भी है तो ज़रूर डालें। और इस आइसक्रीम को मिक्सी में साथ में ग्राइंड कर लेती हूँ। इसे जब हम ग्राइंड करते हैं ना, उससे काफ़ी अच्छा इसका टेक्सचर आ जाता है। ये देखिए, अब मैं इसे बॉक्स में जमा लेती हूँ। बहुत ही बढ़िया क्रीमी आइसक्रीम लगती है, जैसे कि हमने इसमें बहुत सारा क्रीम डाला है। अब यहाँ पर क्लिंग फॉइल या फिर सिल्वर फॉइल से कवर करके इसकी लिड लगाकर फ्रीजर में रख दीजिए ओवरनाइट के लिए। ओवरनाइट के बाद आपको आइसक्रीम का रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है। इस आइसक्रीम के लिए बस आपको ध्यान रखना होगा एक बात का, इस आइसक्रीम को जब हम जमाने के लिए रख रहे हैं ना पहली बार, तब उसे अच्छा जमने दीजिए। जब ये जम जाएगा ना, फिर आप मिक्सी में जब पीसेंगे, बीटर है तो बीटर के साथ ग्राइंड कीजिए, बीटर नहीं है तो मिक्सी में भी आप ग्राइंड कर सकते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप घर की थोड़ी सी मलाई डाल दें या क्रीम डाल दें, ये आपकी चॉइस है। हो सकता है आपके यहाँ मलाई ही नहीं होती हो, तब आप क्रीम डाल सकते हैं, बहुत अच्छी बनेगी, बिल्कुल मार्केट स्टाइल। अब यहाँ पर जब ओवरनाइट के बाद इस आइसक्रीम को लाई हूँ, आप ये देखिए, स्कूपर से जब मैं आइसक्रीम को निकाल रही हूँ तो ऐसा लग रहा है इसमें ढेर सारी क्रीम से आइसक्रीम को बनाया है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। है ना बहुत बढ़िया सी आइसक्रीम। इसे कितने भी फ्लेवर में बनाइए और इन्जॉय कीजिए, बहुत ही बढ़िया ये आइसक्रीम बन जाएगी। आपको खाने में भी सॉफ्ट लगेगी और टेस्टी भी बहुत लगेगी। इसे कब बना रहे हैं, किस फ्लेवर में बना रहे हैं, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। अब आप इसकी गार्निश कर सकते हैं, ऊपर से रेड कलर का कोई शरबत डाल सकते हैं और पुदीने की पत्ती डाल सकते हैं, कोई चॉकलेट चिप्स डालते हैं, पिस्ते की कतरन, जो भी आपका मन करे। तो इस तरीके से आप सजा कर सर्व कीजिए, बच्चों को इंजॉय करवाइए, सारे प्रीमिक्स बना के इंजॉय कीजिए, बहुत पसंद आएंगे। कैसी लगी ये प्रीमिक्स आइसक्रीम, मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो पसंद आए लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस चैनल पर अगर नए आए हैं, सब्सक्राइब किए बिना ना जाए।